बेसन है, बेसन में मसाला डाल दिया, नमक, मिर्च और थोड़ी मसाला, और इसको फेंट के मैंने तैयार कर दिया। ये आलू कटे हैं, ये कढ़ाई रखी है, तेल तैयार है, और इसको मैं अब इसमें, हाँ बस अब ये डालने का तरीका है, इसको फटाफट डालो और हल्की आँच में, बिल्कुल एकदम हल्की आँच कर लो, और उसके बाद इसको कम से कम 15 या 20 मिनट तक पकेंगे। उसके बाद उनका ये जो चिप्स हैं आलू के चिप्स करारेदार होंगे, करारेदार होंगे, और इसका बनाने का, और ये हर कोई पूरी की तरह फूल जाएगा। धीमे धीमे आप, और साथ में मैंने ये एक टमाटर है, इसको आज मैं चिमटे की सहायता से इसको आज मैं इसको भून रहा हूँ, और उसके बाद जब तक ये बनेगा तब तक ये चटनी भी हमारी तैयार हो जाएगी, फूलने लग गए हैं हमारे, ये फूलते जाएंगे। ऐसे एक चाकू की सहायता से इनको ऐसे पलट देना है, और उसके बाद इनको पकने देना है। आँच इतनी तेज ना हो, उतनी कम भी ना हो, मीडियम साइज का आलू, मीडियम साइज आलू, ऐसे तेज नहीं करना है इतना, बस धीमी आँच में, और इसको भी हम घुमाते रहेंगे, पक रहा है, इसका बाहर का चिक्कर निकाल देंगे, बाकी हम मिक्सी में डाल के इसको ग्रे कर देंगे, और इसमें थोड़ी पुदीना, काला नमक और ज़रा हींग डालेंगे, और ज़रा सी मिर्ची डाल देंगे, उसके बाद हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। हो सके आपके पास नींबू पड़ा है तो नींबू डाल दो, नींबू से और बढ़िया स्वाद आ जाएगा। अब ये चारों तरफ से पक चुका है, अब इसको मैं आग बंद कर देता हूँ, इसके बाद ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको छील दूँगा मैं। बस अब ये हमारे बन चुके हैं, इनका कलर जो है बिल्कुल एकदम लाल हो गया, धीमी धीमी आँच में पका के, उसके बाद मैं इसको निकाल देता हूँ, और बड़े आराम से निकालना है, आराम से इसको निकाल के लेना है, ट्रे में रख दो, थाली में रखो या जिसमें भी रखते हो। ये तैयार बन चुके हैं, और मैं अब ये टमाटर है जो इसको ज़रा कट लगा दिया, उसके बाद इसको छिलना है, ये बाहर का छिक्कल जो है निकल जाएगा, ये बाहर का छिक्कल निकल गया, और ये गरम गरम निकल जाता है, छिक्कल निकल गया है इसका, सारा सारा आइटम इसका बाहर का, ये गंदगी, ये छिक्कल निकल सारा निकाल गया, इसको जो इसमें बचा है, ये टमाटर है, मैंने इसको मिक्स में डाल दिया, थोड़ी सा इसमें लहसुन डाल दिया, और ज़रा सा ये प्याज है, प्याज कटा था, ये प्याज डाल दिया, और इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाल देता हूँ, इसमें ये नमक, थोड़ी सी हल्दी, और ये मसाला, और ये मिर्च, मिर्ची जितना चाहिए उतना डाल सकते हो, थोड़ा सा ये काला नमक डाल देते हैं, थोड़ा ये काला नमक डाल दिया, और ये है हमारा घर में बनी है, ये हरा नमक, इसमें धनिया, लहसुन के पत्ते, और जो भी है लौंग, इलायची, लौंग इलायची, खड़ा मसाला सारा बना हुआ है ये, और इसको ज़रा इसमें स्वाद के लिए इसको डाल दिया, और उसके बाद इसको मैं, अब मैं इसको ये हमारा अब पिस गया और तैयार हो गया, वैसे बाहर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में मज़ा आ गया, और ये फर्स्ट क्लास खुशबू चल गई, इसकी सैंड देखो बन गया, ये चटनी इसमें चटनी वाले पॉट में डाल दिया, और इसको इधर रख दो, इसको इसमें रखो, और
ये अब हमारे पकौड़ी या चिप्स जो भी बोलते हो ये बनके तैयार हो गई और ये चटनी बन गई और विधि मैंने बता दी है। उसके बाद आप बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।